हे गाइस वेलकम बैक ऑन इंडियन रिएक्शन ऑन क्रिकेट तो गाइस हमने पिच बनाया और हम पे ही भारी पड़ गई है टर्निंग पिच टर्निंग पिच हमसे नहीं खेल पा रहे तो मैं तो ये सोचता था यार कि जो शेन वॉन जैसे जब वो टाइम के जो स्पिनर है यार मतलब जो सचिन तेंदुलकर वो टाइम पे जो खेले वो स्पिनिंग ट्रैक पे भाई वो, वो लेवल क्या होगा अगर आज के जमाने पर वो शेन वॉन मुरलीधरन अगर ये लोग आज होते तो मैं वही सोचू यार क्या टर्न होता था वो टाइम पे माँ कसम भाई तो आज का जो लेवल है जो स्पिनर खेलने का इंडिया का जो लेवल अप टू मार्क है ही नहीं जो हम लोग जो चीन सेवा खेलते थे वो टाइम पे तो गाइस चलते हैं सीधा पटन भाई की तरफ चलो यार थ्री जीरो हम लोग हार चुके बहुत बुरा लग रहा है लेकिन सोशल मीडिया पर जो है वो ट्रॉल और मीम्स का तूफान आया हुआ है कि इंडिया जो है वो वाइट वॉश हो गई अपने घर में न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड ने हिस्ट्री बना दी ये तो और साथ भी, ये भी देख रहा हूँ हिंदुस्तान इंडिया क्रिकेट फैंस जो है काफी ज्यादा नाराज है काफी ज्यादा जो है वो सेड है और तो सेड इसलिए बिकॉज क्योंकि हम लोग ने एक एक्सपेक्टेशन बना दिया है मतलब इंडिया हम लोग घर में कभी हारे ही नहीं यार चलो यार कोई नहीं यार सीरीज तो कभी हम लोग आज तक नहीं हरे यार जब से हम लोग क्रिकेट देख रहे विराट कोहली को जब से हम लोग देख रहे मैच जो हम लोग हार चुके ठीक है बुरा लग रहा है सोशल मीडिया पे सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं सिवाय <coughs> चैनल्स है जो वो बात कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं बाकी क्रिकेट फैंस जो है वो कोई नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश बोल रहा है कि संडे कैसा <laughs> कोई नहीं यार संडे थोड़ा क्रिकेट में so, दुण 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 फेस्टिवल, सब लोग बिजी है ज्यादा क्रिकेट इतना कोई देख नहीं रहा है जो भी जो पैशनेट क्रिकेटर है ठीक है उन लोग ही ज्यादा फॉलो कर रहे हैं है, इंडिया के क्रिकेट फैंस नजर नहीं आ रहे अरे भाई इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि इंडिया क्रिकेट फैन जो है उनको छुपना पड़ रहा है या उनको यह कहना पड़ रहा है कि नहीं यार हमें ट्रोल कर रहे हैं लोग हम मीडिया पे सर नहीं दिखाएंगे अरे शेर की तरह जियो मर्दों की तरह जियो जो लोग इंडिया की टीम को इस टाइम ट्रोल कर रहे हैं मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का नाम लेता हूं जहां इंडिया 20 साल के बाद हारी है करेक्ट करेक्ट है भाई एक मिनट जरा एड आ गया तो भाई सोशल मीडिया पर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है प्लेयर के अंदर ट्रोल कर रहे हैं लोग हम मीडिया पे सर नहीं दिखाएंगे अरे शेर की तरह शेर मर्दों की तरह जियो इंडिया की टीम को इस टाइम ट्रोल कर रहे हैं मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का नाम लेता हूं जहां इंडिया 20 साल के बाद हारी है सीरीज वहीं पे पाकिस्तान 20 साल के बाद एक सीरीज जीती है यार कोई बड़ी बात थोड़ी है रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए और इतने मैचेस जीतने के बाद मैच या सीरीज़ हारना जरूरी होता है बहुत ज़रूरी होता है जो ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है प्लेयर के अंदर या टीम के अंदर या कोच के अंदर जो भी कोच होते हैं जिस मैं किसी भी टीम की बात कर रहा हूँ कोई भी टीम आप सोच लें कि उनके जो कोचेज होते हैं उनको लगता है कि यार हम आसमानों पे उड़ रहे हैं हमारे पढ़ निकल आए हारना बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में जब तक आप हारोगे नहीं मुंह के भल नहीं गिरोगे आपको ये चीज़ याद नहीं आएगी कि यार वाकई में मैं तो जीता रहा हूं अगर हार गया तो मेरे साथ क्या होगा कोई बड़ी बात नहीं है यार स्ट्रोंग कम होगा इंडिया का कोई बात नहीं यार घर में हार गई इंडिया वाइट वाश हो गई इंडिया अरे भाई तो कौन सा आसमान गिर गया क्या इंडिया वो टीम है जो हमेशा हारती है क्या इंडिया वो टीम है कि वो किसी से भी हारती है एक हार से कोई टीम कमजोर नहीं हो जाती एक हार से कोई टीम बुरी नहीं हो जाती पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश वो लोग जो ट्रोल कर रहे हैं उनको मौका तो मिलना चाहिए यार पिछले दो साल से हम और आप मजे तो आप सोशल मीडिया पे देखिए सिर्फ मैंने 1100 वीडियोस बनाई हैं सिर्फ मैंने 1100 वीडियो बनाई हैं तो बाकी कंटेंट क्रिएटर ने कितनी वीडियोस बनाई होगी पाकिस्तान के ऊपर अरे भाई वो पिछले दो तीन साल से लगातार हार रहे हैं बड़े इवेंट में छोटे इवेंट में छोटे से छोटे टीमों से हार रहे हैं पेंटे पड़ रहे हैं सुपर ओवर में हार रहे हैं 120 चेस नहीं हो पा रहा इंडिया जीत पे जीत लेके आ रहा है वर्ल्ड कप जीत जाता है इतने सारे कप इंडिया में पड़े हुए हैं इतने ट्रॉफीज जीती हुई है अब एक सीरीज़ हार गए तो इंडिया के फैंस जो है वो चूहों की तरह गार में घुस गए कि नहीं 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 यार हमें बड़ी शर्म आ रही है हम जो है हार गए अरे भैया शर्म उनको आनी चाहिए जो लगातार कंटिन्यू हारते हैं जो देखे हार तो तो कभी शेर की भी होती है जंगल ऐसी बात नहीं आप जंगल में देखें कभी जंगल भी हिरन से भागता है तो ये टाइम जो है ये तो आना होता है ऐसी बात थोड़ी है अब तुम लोगों को अगर ये लगता है कि तुम्हारी टीम इंडिया है

ठीक है जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं वो लोग नहीं सोचेगा सब भाई इस, इस वो, देखे, कुछ पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि यार पठान तू गलत करता है इंडिया जीतती है तो कोई बात नहीं यार बेड लग टाइम जो है ऐसे बोलते हो पाकिस्तान हारता है तो आप हंसते हो देखो पाकिस्तान कंटिन्यू हार रहा है अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान सीरीज जीता हमने उस पर भी पाकिस्तान की तारीफ की कि उसमें साजिद खान ने अच्छी बॉलिंग की अगर तुम कंटिन्यू जीतोगे एक हारोगे तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कोई आपको ट्रोल करे मीडिया पे सवाल ही पैदा नहीं होता है अब फॉर एग्जांपल बता रहा हूं पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान को ट्रोल करता था हमने क्रिकेट सिखाई हमारे लड़के हैं यहां से सीखा कोच हमारा पला ये है डिंगा है इतनी बातें करते थे ये जीतेंगे इनकी शक्ल देखो ये टी के प्लेयर है ये वनडे खेलेंगे हमने वनडे में इनको हरा दिया हमने इतनी टीमों का हरा दिया अब पाकिस्तान तारीफें कर रहा है अफगानिस्तान की भाई जब आपको दिखे कि सामने वाली टीम कंटिन्यू जीत पे जीत ले रही है तो ना चाहते हुए भी आपको तारीफ करनी पड़ती है क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो आप क्रिकेट फैंस हो आप सोशल मीडिया पर अपना चेहरा दिखाते हो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार आप जीत गए हमने आपको ट्रोल किया फिर आप जीत गए हमने फिर आपको ट्रोल किया आप जीतते जाओ हम आपको ट्रोल करते जाए ऐसा कोई भी नहीं करता खुद पाकिस्तान का पूरा जो है फेस चेंज हो गया है अफगानिस्तान के लिए अब यार अफगानिस्तान की टीम वाकई में यार अब तो बढ़िया हो गई है तुम भी ऐसा बढ़िया बनो हम तुम्हारी भी तारीफ करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी तारीफ करेंगे वो जो पॉलिटिक्स में हमारा और आपका इशू है उसका चैनल ही अलग है वो अलग इशू है हमारा आपका ये क्रिकेट है क्रिकेट में आप जीतोगे कंटिन्यू जैसे अफगानिस्तान जीतता आ रहा है जैसे इंडिया पिछले कई सालों से जीतता आ रहा है तो भाई कौन बंदा होगा जो तारीफ नहीं करेगा पाकिस्तान की सही है लेकिन तुम कंटिन्यू हार रहे हो इंडिया कंटिन्यू जीत रहा है तो तुम पे ही ही और इंडिया पे जो है वाह तो बनती है अपनी टीम पर वाह तो बनती है अब हमारी टीम कंटिन्यू हारे मैं क्या लगता है मैं फिर भी बोलूंगा वाह यार हमारी टीम बढ़िया है हमारी टीम हारेगी तो कुछ ना कुछ तो हम भी बोलेंगे लेकिन सालों में एक हार को हार नहीं कहा जाता ये जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग है इसको छोड़िए यार सोशल मीडिया पूरा बिजनेस है सोशल मीडिया तो एकदम एक, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है आज आ, आज के जमाने में लेकिन टीम इंडिया जो है सीरीज हारने से कोई टीम खत्म नहीं हुई कोई correct. टीम कमजोर नहीं हुई लोग बोले वर्ल्ड वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्या होगा वर्ल्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या होगा ये ऐसा अरे कुछ नहीं होगा यार कुछ नहीं होगा बेकार के बस यार एक बात कहूं ना अभी भी एशिया के अंदर एक बात अपने दिमाग में घुसा लो एशिया के अंदर आज भी जितनी भी टीमें हैं दुनिया में कोई भी टीम आप ले लो चाहे आपकी दुश्मन टीम हो आपकी अपोजिट टीम हो आपको चाहने वाली हो या आपको नफरत करने वाली हो हर टीम के क्रिकेट फैंस ये चाहते हैं हमारे टीम में ऐसे प्लेयर आए जैसे इंडिया की टीम में है ये बात एक हकीकत है इसको कोई माने या ना माने वो अलग बात है उसका मैं जिम्मेदार नहीं ना मैं कसूरवार हूं इस बात को कोई माने ना माने मैं इस बात का कसूरवार नहीं हूं लेकिन एक हार से टीम खराब नहीं हो जाती ऑन भाई कोई टेंशन मत लो हार जीत तो गेम का हिस्सा है लेकिन ट्रोलिंग तब बनती है जब आप बार बार हारते हो सो so करेक्ट है मतलब देखो अब नेक्स्ट मैच है टेस्ट मैच वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कम बैक इन द नेक्स्ट मैच ठीक है नेक्स्ट मैच में हम लोग को कम बैक करना है और निराश नहीं होना है सो वी विल कम बैक डेफिनेटली वी आर अ चैंपियन टीम सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वी आर हैविंग चैंपियन प्लेयर तो गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना मैं मिलूंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज और स्टे मोटिवेटेड स्टे एंड बी हैप्पी थैंक यू सो मच